स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। देखिए, हम आपके पैर पड़ते हैं, ये बच्चा ना गिरवाइए। फिर जरूरी थोड़ी है कि वो काला ही होगा, वो आपके जैसा गोरा। वो का है कि हम कोनो फोकट का खतरा नहीं लेना चाहते, और वैसे भी काजल की कोठी से का निकले किसको मालूम। लिए जबान एकदम बंद और जो कह रहे हैं सो कर। चल कटरा नरेश, शक्ति बाबू, मेहरिया को लेके कहाँ जा रहे बेटा? लगता है किसना बाबा को देख के ना तुमको भी औरत की हवा लग गई है बेटा। अरे बाबूजी, आप भी हद करते हो। अरे का शक्तिया को औरत का हवा लगेगा है? और वो भी ऐसी औरत का। तो बेटा यही पूछ रहे हैं, जा कहाँ रहे हो? सिविल लाइंस जा रहे हो कि फाफा मऊ जा रहे हो? अरे वो तो हम इसको डॉक्टर के पास लेकर जा ही रहे हैं, बता ही रही है कि तबीयत खराब है। अभी बीमार होके बैठ गई तो काम दाम कौन करेगा है? फिर अम्मा परेशान होगी फोकट में। हाँ बेटा, बड़ा अम्मा के परेशानी की चिंता हो रही तुमको। लगता है कृष्णा बाबा ने तुमको मेहरिया को खूब प्यार करना सिखा दिया। अब तुम इतना प्यार करने लगे बेटा कि खुद लेके चल दिए दिखावे। बहुत सही जा रहे हो बेटा, बहुत सही। अरे हमको जो रास्ता पकड़ाया है ना, वो तो हम ही जानते हैं या ये जानती है। और वैसे भी अम्मा तो काम में फंसी पड़ी है और कोमल है नहीं गर्मा, तो इनके साथ जाएगा कौन? और वरना हमको कोई भादो की अंदरिया के साथ जाने का शौक नहीं है। अबे तो किसना बोला कि नहीं जा सकती का? अरे काहे नहीं जा सकती, जा सकती है ना, पर वो है कहाँ यहाँ? ए किसना आ गया, ए किसना बहू आ गई। अरे अभी थोड़ी देर पहले यहाँ तुम्हारी चर्चा हो रही थी। अरे बहुत लंबा जिएगी तू, लंबी उम्र होगी तुम्हारी। जिया का घंटी जिंदा हो जी। अरे जिया बेटा, जिया जिया। खुशी रहो। नमस्ते पिताजी। बाबा कैसा रहा तुम्हारा हनीमून? अरे अम्मा, हनीमून का क्या है? अरे बाबूजी तो अभय भाई आए हैं ना, आराम करने दीजिए, थके आ रहे होंगे। और वैसे भी किसना बो के साथ इको भेजना ठीक नहीं होगा। वो कहा है कि कहीं इनकी तबीयत वबीयत खराब हो गई तो बाबा लगेंगे फिर से फूंकने घर। क्या बात हो गई है? अरे कहाँ जाने के लिए जल्दी आए पड़े हो? अरे हम आए तो कोनो दिक्कत हो गई का? क्या हुआ? अब कोनो दिक्कत नहीं, फालतू है यार। हाँ, आपने तो कह दिया कि कृष्णा बहू चली जाएगी शक्ति बहू के साथ, पर इससे भी तो पूछना चाहिए था। देखिए, आते ही दिक्कत की बात करने लग गया। अरे अपने महाराज से पहले पूछ लीजिए कि अपनी महारानी को शक्ति बहू के साथ जाने देगा कि नहीं। अब डॉक्टर के पास जाना भी होगा तो हम बाद में चले जाएंगे, अभी हमारी तबीयत भी ठीक लग रही है। शक्ति सिंह राजो चलो। पिताजी नमस्ते, आपको भी दो ना समय। ये बताओ बेटा कि गच्छ भयो कि अकच्छ, मतलब सब कुछ हुआ बढ़िया हुआ? भाजी जितना दिए थे ना सब धुआं। जल्दी से किसना बो की आरती उतारो भाई, सब लोग बाहर से आ रहे हैं। अरे उकरी आरती उतारो, नजर उतारो। अरे उसकी नजर उतरेगी तो यही बहाने हमारे पोता की भी नजर उतर जाएगी। का घंटीलाल का बोलती हो? प्यासिया पानी का लोटा ले आ जल्दी। शक्ति बहुत उतारेगी नजर, उतार दे। बेटा तुम्हारा चेहरा इतना बुझा बुझा काहे लग रहा है? का लग रहा है? अरे बुझा का एकदम मस्त चकाचक तुम्हारी तरह। और वो का है कि ये जो है ना हमारे दिल की रानी, ये हमरा और करीब आ गई। अबे अब हिया ना शुरू हो जाओ यार, समझो? जो कुछ हुआ कह के आओ, सब खत्म हो गया। अपने घर में आओ बेटा, कसुर शर्म लिहाज सब धो के पी गए हो। अरे बेटा ये तुम्हारा घर है, तुम्हारी मेहरारू की ससुराल है। न जाने कहां से ससुराल बेपर्दगी सीख लिया बेहुदा। अबे अपनी अम्मा का नहीं, कम से कम हमरे अम्मा का तो ख्याल करो ससुराल। हमारी नजर नीची हुई जा रही है। अबे जौन कुछ करना है तय दिया है ना, दूल्हा दुल्हन अपने कोहबर में जाओ, अपने कमरे में जाओ, वहां जौन कुछ करना है करो। चल चल वैसे प्रतिज्ञा खुश तो है ना, मतलब कृष्णा के साथ उसकी ठीक से निपट तो रही है ना? वो कैसे पेश आता है उससे? वो क्या प्रतिज्ञा से ठीक से पेश आएगा? वो तो प्रतिज्ञा को हनीमून पर भी बेइज्जत करने से बाज नहीं आया। क्या किया मगर उसने? क्या क्या बताएं उसकी? हम तो उसकी हरकतों को झेलते झेलते थक गए हैं। खैर छोड़ो, तुम अपनी बताओ। तुम्हारी शादी तो तुम्हारी पसंद से हो रही है ना? तस्वीर पसंद करने में और इंसान पसंद करने में बहुत फर्क होता है दरअसल। खैर छोड़िए, अब तो ये बताइए कि कृष्णा ने प्रतिज्ञा के साथ क्या बदतमीजी की थी? उस दिन होटल में प्रतिज्ञा ने एक विदेशी से हाथ मिलाकर हाय कह दिया, तो कृष्णा ने उस विदेशी को जाके थप्पड़ तो मारा ही, साथ ही प्रतिज्ञा को इतना बेइज्जत किया। क्या? क्या? तो बेटा ये बात तुमने हमें बताई क्यों नहीं? उस दिन जब फोन पर हमारी बात हुई थी तुमसे, तब हमें ये बात बतानी चाहिए थी। पापा, हम आपको क्या बताते? सिवाय परेशानी के हम आपको और क्या देते उस टाइम? बेटा, हम कृष्णा से बात करेंगे, हम उसे समझाएंगे। मम्मी, आप क्या उसे समझाएंगे? समझाया उसे जाता है जिसको लगता है कि उसने कुछ गलत किया है, लेकिन कृष्णा को उसको लगता ही नहीं कि उसने कुछ गलत किया है। तो तुमको काहे नहीं लगता के? तुम भी गलती करते हो। तुमको हमरे भाई की बुराई करने में बहुत मजा आता है ना? लगता है कि तुम हमको बहुत खुश रख रहे हो। अरे तुमको बस अपनी बहन का दर्द दिखाई देता है, हमरा नहीं। गए थे हनीमून मनाने। अरे इससे हनीमून मनाया जाता है क्या? ये बीवी से कौनो मतलब नहीं। भाभी, आप थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती क्या? और ये जो भी शिकायतें हैं आपको, ये आप बाद में भी कर सकती हैं ना? देख नहीं रही कि रोली दीदी आई है घर पे? अरे हम भी तो वही कह रहे हैं कि जो तुम हमको समझा रही हो ना, अपने भाई को भी समझा सकती हो। काहे किसी बाहरी लौंडिया के सामने ये घर के दामाद की शिकायत कर रहा है? रोली दीदी, रोली बेटा, रोली। वैसे तो तुम बहुत ही समझदार हो, लेकिन फिर भी तुमको एक बात समझाए दें कि जो तुमरे हमरे बीच का मामला है ना, कि हमरे तक ही रहे तो बेहतर है, घर वालों तक ना पहुंचे। वो कहे बाबूजी हमसे बहुत ही प्यार करते और हमको हनीमून भेजे थे। वो कहे पता लगेगा कि हम प्रेम नहीं नफरत लेकर आए हैं, तो उनका बहुत बुरा लगेगा, दिल टूटेगा, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते और ना ही पसंद करते। बस इतना कहना चाहते हैं कि घर वालों के सामने अगर हंस के मुस्कुरा के बतियाना पड़े तो गलत मत समझना, हमारी नाराजगी वहीं की वहीं। और तुम्हारा जो कुछ भी है, हमसे दूर भागने की कोशिश, हमसे ना बात करना, वो सब ऐसे रखो, जैसा है वैसा ही रखो। हम तो कहते हैं खूब खाद पानी डालो उसमें, बस इतना ध्यान रहे कि घर वालों तक ही बात ना पहुंचे। क्या हम नहीं चाहते कि मेरे प्यार का कोई मजाक उड़ाए। ये सब ढोंग वोंग रहने दो, बस जो बोले हैं वो बात का ध्यान रखो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। बहुत मेहरबानी होगी। कोमल सही कह रही है, उसे जरूर कोई ना कोई शिकायत है तुमसे जो तुम समझ नहीं पा रहे हो। वो तकलीफ शायद तुमसे हो, वरना वो ये क्यों कह रही है कि तुम उससे कोई मतलब ही नहीं रखते? अगर तुम किसी की बहन को खुश नहीं रख सकते तो ये उम्मीद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए तुम्हें कि कोई तुम्हारी बहन को खुश रखेगा। आदर्श, तुमने कोमल के साथ ऐसा किया, हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब तुम्हें उससे माफी मांगनी पड़ेगी। अरे हम क्यों माफी मांगेंगे? हमने कुछ गलत नहीं किया है। आप लोगों को कुछ पता नहीं है, उसने उस दिन होटल में जो... हमें कुछ नहीं सुनना है, हम उससे नहीं पूछेंगे कि उसने क्या किया। हम तो तुमसे पूछेंगे कि तुमने उसकी खुशी के लिए क्या किया। देखो आदर्श, अपने सामने अपने परिवार की बुराई कोई नहीं सुन सकता, और वो भी किसी बाहरी आदमी के सामने। मम्मी, ये अब क्या कह रही है? रोली दीदी बाहर वाली है क्या? आरुषि, तुम चुप रहो। आदर्श, तुम्हें कोमल से माफी मांगनी पड़ेगी। हम अपनी तरफ से कोई गलती नहीं होने देंगे। चलो हमारे साथ। हम कोई माफी नहीं मांगेंगे। तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी। चलो हमारे साथ, चलो। मम्मी, चलो अब माफी मांगो। ठीक है, आप कह रही हैं तो। हमसे कुछ मत कहो, जो कहना है कोमल से कहो। माफी मांगो। कोमल, हमसे गलती हुई है। हमें रोली के सामने कृष्णा की बुराई नहीं करनी चाहिए थी। सॉरी, लेकिन तुम्हें भी ये पता होना चाहिए, कृष्णा तुम्हारा भाई ही नहीं, हमारा बहनोई भी है। और वैसे भी हम कुछ गलत तो कह नहीं रहे थे, हम तो जो सच था वही बता रहे थे। अगर कृष्णा ने कुछ बुरा किया है तो उसे बुराई ही कहेंगे। कोई भी परेशानी हमारी तरफ से तो नहीं खड़ी हुई ना। वो तो बस तुम दोनों भाई बहन। तुम चुप रहो। हमेशा दूसरों की गलती गिनाते रहते हो, और जो तुमने किया वो, उससे क्या कोमल को बुरा नहीं लगा होगा? एक दूसरे की बातों का बुरा मानोगे तो समस्याएं और बढ़ती जाएंगी। अगर तुम दोनों को इन समस्याओं को खत्म करना है तो तुम्हें एक दूसरे को समझना पड़ेगा। अब हम तुमसे तो ये उम्मीद रख सकते हैं ना कि तुम कोमल को समझोगे, उसे परेशान नहीं करोगे। लेकिन हम बताना चाह रहे थे कि हमें कुछ मत बताओ। हमें ना कुछ सुनना है ना कहना है। हम जो कह रहे हैं वो सुनो। बेटा, तुम अपने नजरिए से देखोगे तो कैसे चलेगा? तुम्हें कोमल के नजरिए को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर तुम उसकी गलतियों को, उसके दोषों को गिनाओगे तो उसमें तुम्हारी भी गलती है। तुम्हें कोमल को समझना पड़ेगा। बस हमें इतना ही कहना, समझे? कार है, ज्यादा चालू बन रही है, हैं? काहे हुआ बोली सबके सामने कि तुम्हारी तबीयत ठीक है? जी, वो हम तो। यहाँ तो तुम्हारी बोली नहीं खुल रही है, और हुआ सबके सामने जो मनमर्जी में आया वो बोली। ये जो तुम सबके सामने नौटंकी करती हो ना, ये बंद कर दो। ज्यादा होशियारी मत दिखाओ ना, इतना मारेंगे कि पिचकाए देंगे। यही पहचानने में नहीं आएगी, शकल बताए रहे। हम क्या किए? हम तो आपको बचा रहे थे, नहीं तो वो बाबूजी हमसे पूछने लगता कि क्या हुआ है, और कहीं वो हमारे साथ। चुप। ससुरी एक तो चालबाजी करती और ऊपर से नौटंकी बतिया रही है। वो क्या है कि हमरे घर में कोनो तुमरे जैसा चालू नहीं ना, जो हमरा भेद पकड़ सके। हकीकत क्या है हमको सब मालूम है। तुम जो ये बच्चे को बचाने के चक्कर में पड़ी हो ना, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। 2-3 दिन, 2-3 दिन में हमें बच्चा गिराए देंगे। बताए रहे। और हाँ, बात अगर किसी को बताई या किसी को पता चली तो ये बच्चे के साथ साथ तुम्हारे भी छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे हम। ध्यान रहे। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।